Very pleasant morning to all my lovely students. Fine. So today's lecture is about the question answer explanation of the question number 5. It is your chapter number 24, Rural and Urban Livelihood, which we are doing. सारे ही topics हमने बहुत अच्छे से discuss किए हैं. So this is your question number 5. Answer the following question in detail. Fine. So first listen carefully whatever we are doing this topic. Actually the whole summary is given in the question answer. Question answer में सारी summary आपकी revise हो जाएगी एक बार. So first question of your book is, fifth का first question है, distinguish between primary and secondary occupation and also the give example of each. आपको बताना है primary and secondary occupation, what are the definitions, what work we do in the primary and secondary occupation and what are the examples. So first I am explaining the primary occupation. Primary occupation are those that involve the getting raw material from the natural environment. पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी रॉ मटेरियल विच वी प्रोड्यूस फ्रॉम द ओनली एंड ओनली प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है हम नेचुरल इन्वायरमेंट का यूज करके जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं वो किस में करते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर रिलेटेड टू द प्राइमरी ऑक्यूपेशन. सो हमारा जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर. कौन सा है, एग्रीकल्चर. एंड कोई सारे एग्जाम्पल्स से लाइक द माइनिंग, माइनिंग मीन्स एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स फ्रॉम द अंडर द अर्थ. फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री यानी कि जो भी चीजें फॉरेस्ट से हमें मिलती है, फिशिंग मछली पकड़ना ये भी प्राइमरी सेक्टर में है, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री एक्सेट्रा आर द फार्मिंग. यानी कि ये कहीं ना कहीं से रिलेटेड है सारे ही वर्क. नाउ सेकेंड इज, अब हमें डिफरेंस बताना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में तो हमने क्या प्रोड्यूस किया, रॉ मटेरियल. ठीक है, मटेरियल किसमें से प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी सेक्टर, जैसे फार्मर्स ने क्रॉप्स जो है वो उगाई. नाउ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आर द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. में कौन सी एक्टिविटीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग की, यानी चीजें बनाई जाती हैं. That transform raw material source from the primary occupation. Primary occupation से या primary जो sector से जो हमें क्या मिला है, raw material. उसका use करके चीजें transform की जाती है into finished goods. तैयार सामान के रूप में finished goods यानी तैयार किया हुआ सामान हमारे पास आ जाता है. For like जैसे biscuit है, wheat से बनते हैं, तो wheat तो grow किसने किया, farmer ने, प्राइमरी सेक्टर. उसी का रॉ मटेरियल बना के और उसी को रॉ मटेरियल यूज करके इंडस्ट्रीज में उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए. फॉर एग्जांपल बिस्किट बनाई गई, ब्रेड बनाई गई, तो वो किस में आ जाएगी, फिनिश गुड्स में. एग्जांपल्स आर टेक्सटाइल, स्टील प्लांट्स, बिस्किट, फूड इंडस्ट्री. ये सारे की एग्जाम्पल किसके हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. अब टर्शियरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, those who providing the services to the primary and secondary occupation. चलिए next question है आपको, question number 2. What are the main farming occupation in the rural India? मैं rural India में यानी कि जो लोग farming का work नहीं करते तो क्या क्या non farming work, हमें क्या पूछा गया, non farming work. Non farming occupations are जैसे weavers होते हैं, weavers कौन होते हैं, बुनाई का work करते हैं. पॉटर्स होते हैं जो पॉट बनाते हैं मटके वगैरह. ब्लैक स्मिथ होता है लोहा, जो लोहे का वर्क करते हैं. कारपेंटर होता है जिसे खाकी बोलते हैं, जो फर्नीचर बनाते हैं. मैसन्स होते हैं जो कारीगर जो घर वगैरह का कारीगरी का वर्क करते हैं. और है एक है बाबर, बाबर होता है नाइफ. सो ये कुछ नॉन फार्मिंग वर्क है जो कौन करता है, रूरल एरिया में लोग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ डज द गवर्नमेंट हेल्प पीपल्स टू फेस द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. पहले तो बताना है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, दूसरा ये बताना है कि गवर्नमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट
से जो लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उनके लिए क्या क्या उन्होंने स्टेप उठाए हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट द गवर्नमेंट टेक इनिशिएटिव्स टू द इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। की गवर्नमेंट क्या क्या वर्क करती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन इन रूरल एरिया फार्मर्स नॉट गॉट जॉब और वर्क इन द सम मंथ ऑफ द ईयर। साल के कुछ महीने जब रूरल एरिया में स्पेशली फार्मर्स के पास कोई वर्क नहीं होता, यानी एक सीजन में वर्क होता है, साल के कुछ महीने वर्क होता है और कुछ महीने वर्क नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड व्हाट द गवर्नमेंट टेक द इनिशिएटिव, फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफन अंडरटेक द पब्लिक वर्क प्रोग्राम, बहुत सारे पब्लिक वर्क प्रोग्राम चलाती है इन विच दे गिव द प्रेफरेंस टू द पुअर फैमिली, जहाँ पर गवर्नमेंट किनको प्रेफरेंस देती है काम देने में पुअर फैमिलीज को। ऑल्सो सेकेंड इज ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द ऑफिस, बैंक, स्कूल्स एंड पोस्ट ऑफिस टू द विलेजर्स। ऐसे कई सारे गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, बैंक होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, जहाँ पर विलेजर्स को, किन विलेजर्स को, दोज हु आर अनएम्प्लॉयड एंड दोज हु आर बिलोंग टू द पुअर फैमिली, उनको वहाँ पे क्या दी जाती है एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, जॉब दी जाती है। क्लियर। Now, question number 4 is how a rural and urban sector depend on each other. किस तरह से रूरल और अर्बन एरियाज एक दूसरे पर डिपेंड है। दे आर डिपेंडिंग जस्ट बिकॉज फार्मर बाय ट्रैक्टर्स, मशीनरीज, फर्टिलाइजर, सीड्स फ्रॉम द सिटी। जैसे हम फार्मर हैं, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, मशीनरी की, ट्रैक्टर की, फर्टिलाइजर, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स और भी बहुत सारी चीज़ों की, पेस्टिसाइड्स, तो वो कहाँ जाता है सिटीज में। सिमिलरली उसी तरह से जो फूड प्रोडक्ट्स एंड द रॉ मटेरियल फॉर द फैक्ट्रीज कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द रूरल सेक्टर, उसी तरह से जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है रूरल एरिया में। यानी ये रूरल एरिया से सिटीज़ में आ रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और हमारे रिक्वायरमेंट्स को कौन पूरा कर रहा है रूरल एरिया। इट मीन्स द बोथ सेक्टर्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर, इस तरह से दोनों ही सेक्टर्स जो हैं एक दूसरे पर क्या है डिपेंड है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। जो स्पेशली जो रूरल एरिया से जो लोग आ जाते हैं कहाँ पर, और उनका मेन रीजन क्या होता है माइग्रेट करना। माइग्रेट मतलब मूविंग वन प्लेस टू अनदर। मिलियन ऑफ पीपल माइग्रेट टू द टाउन एंड सिटी। मिलियन ऑफ पीपल यानी लाख लोग चले जाते हैं टाउन और सिटीज में एवरी ईयर, हर साल, इन सर्च ऑफ द बेटर जॉब, कि उन्हें अच्छी जॉब मिले, एंड द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो। यानी हर किसी का सपना होता है वो शहर में रहे, बहुत पैसा कमाए और बहुत अच्छा उसका डेवलपमेंट हो, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो इसलिए कई सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पर, सिटीज़ में और टाउन्स में, जहाँ उन्हें अच्छी जॉब भी मिलती है, अच्छा काम भी मिलता है, और विलेजेस में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। यानी काम तो होता है उनके पास, बट थ्रू आउट द ईयर उनके पास कोई भी वर्क नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर इज ओवर, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, जिसको मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया। डू ऑल वर्क इन योर नोटबुक एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।